आज फ्रैंकलिन के घर के सामने लग्जरी रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है और उस रेलवे स्टेशन में एक नई बिल्डिंग भी बनने जा रही है। ट्रेन चलेंगी उसमें और उस रेलवे स्टेशन का नेम भी कुछ अलग ही होगा और ये रेलवे स्टेशन कनेक्ट होगा हमारे ओल्ड रेलवे स्टेशन के साथ, क्योंकि उधर वाली ट्रेन इधर आए और इधर वाली ट्रेन उधर जाए। और इस रेलवे स्टेशन की पटरियां भी डिफरेंट होंगी और इस रेलवे स्टेशन को हम लोगों ने कैसे बनाया देखते हैं इस वीडियो में। ऑलराइट गाइस, तो वेन आप लोग जहां पे मैं खड़ा हूं इस टाइम यहां पे देख लो, यहां पे बनने जा रहा है एक तगड़ा लग्जरी रेलवे स्टेशन जो कि हम लोग बनाने जा रहे हैं। देख सकते हो यह मेरा घर है, यहां पे एक बिल्डिंग बनने जा रही है और यहां पे पटरियां बिछेंगी, यहीं पे ट्रेन होगी। बट अब की बार पुलिस स्टेशन का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है कि रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है बस यहां तक, मतलब कि जो इसकी लाइन है पुलिस स्टेशन की बिल्कुल बस यहां तक रेलवे स्टेशन बनेगा, ये सब कुछ बच जाएगा, मतलब कि पुलिस वाले बिंदास। और यहां पे एक बिल्डिंग बनेगी जो कि एक अलग ही लेवल का माहौल क्रिएट करेगी। छोटा सा स्ट्रक्चर उस बिल्डिंग का मैंने बना के रखा हुआ है घर पे, मैं सबसे पहले वो दिखाता हूँ फिर चलते हैं पार्ट्स को लेने। ऑलराइट गाइस, तो व्हेन आप लोग देख सकते हो सामने एक छोटा सा स्ट्रक्चर पड़ा है बिल्डिंग का, मतलब यही बिल्डिंग बिल्कुल सेम टू सेम क्रिएट करेंगे हमारे घर के सामने, जो कि ये देखो रेलवे स्टेशन की बीच में लाइंस भी हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही बिल्डिंग अभी यहां पे खड़ी होगी। भाई माहौल चेंज कर देंगे और ये जो कलर आप लोग देख रहे हो ये हम लोग चेंज करेंगे, थोड़ा शाइनिंग पेंट लगाएंगे और ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है जो फील देगा रेलवे स्टेशन का, मजा आएगा। इसके ऊपर घड़ी भी लगी हुई है, पूरा सिस्टम क्रिएट करेंगे। ठीक है गाइस, है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को मैंने कह दिया है इंजीनियर्स को, वो बनाना स्टार्ट कर देंगे, हम लोग लेकर आएंगे तब तक सामान और चलते हैं सामान लेने के लिए। तो गाइस आपने स्ट्रक्चर तो देख लिया कितना तगड़ा लगने वाला है और मैं जाने वाला हूं सीधा ट्रेन मार्केट में, क्योंकि ट्रेन हम लोग अपनी ओल्ड ही लेने वाले हैं, मतलब कि जो अपनी ओल्ड ट्रेन अपनी सिटी में चलती है ना वही लेंगे। तो गाइस मुझे पता चला है अपना ट्रेन मार्केट है वो भी थोड़ा सा बिगेस्ट हो गया है, पहले छोटा सा था अब बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं। ऑलराइट गाइस, तो व्हेन आप लोग देख सकते हो कितनी सारी ट्रेन्स खड़ी हुई है हमारी सिटी की, ब्रो इतना बड़ा ट्रेन मार्केट मैंने पहली बार देखा है अपनी सिटी में, क्योंकि पहले तो भाई इसमें ज्यादा से ज्यादा 4 ट्रेनें थी और इस बंदे ने बिजनेस को इतना बढ़ा दिया कि ट्रेनें ही ट्रेनें खड़ी हैं ब्रो, और मशीनें, पहले एक मशीन खड़ी थी अब दूसरी भी आ गई है, देखो कितना ज्यादा इसमें प्रॉफिट है बिजनेस में। तो गाइस यहां पे ट्रेन है, हम यहां पे 2-3 ट्रेनें उठाने वाले हैं हम लोग, तो जो भी हमें अच्छी लगे। ट्रेन मार्केट का माहौल चेंज हो गया है, तो ये गाइस 1, 2 और 3, ये जो 3 ट्रेन है भाई यही लेकर जाने वाले हैं हम लोग, ये देख लो भाई, ये लोड कर देंगे मशीन के थ्रू और लेके जाएंगे हम लोग अपनी ट्रेन को अपने सीधा घर पे। तो गाइस ट्रेन का माहौल तो पूरा सेट हो गया, अब मैं जाना हूं पटरियां लेने के लिए, और पटरियां लेने के लिए और ट्रेन का फ्यूल लेने के लिए, क्योंकि ट्रेन को स्टार्ट करेंगे इंजन में जो फ्यूल लगता है वो भी हमको लेकर आना पड़ेगा। तो गाइस सामने कार शोरूम है, इंडस्ट्रियल एरिया भी सामने है, जल्दी से चलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में और उठाते हैं अपनी पटरियों को। ओ भाई ये देखो फ्यूल टैंक को यहीं पे पड़े हैं और पटरियां वेट ओके सामने ही है। ऑलराइट गाइस, तो व्हेन आप लोग देख सकते हो पटरियां, भाई ये पटरियां टुकड़ों में बटी पड़ी हैं, देख रहे हो टुकड़ों में बटी पड़ी हैं, बस इसमें मेहनत इतनी ज्यादा लगने वाली है इसको जोड़ने में, भाई मुझे तो पता नहीं कितनी मेहनत लगेगी। टुकड़ों में हमको पटरियां मिली हैं, जल्दी से इनको भी उठाते हैं, बंडल सब कुछ लेकर जाना पड़ेगा। तो गाइस इसी के सामने पड़े हुए हैं ये फ्यूल टैंक, तो गाइस देख सकते हो ये पूरा का पूरा कंटेनर हमें लेकर जाना है। तो गाइस मैं यहां से 2 कंटेनर उठाऊंगा, क्योंकि गाइस 2 कंटेनर में हमारा काम फिक्स हो जाएगा, इसके अंदर बहुत सारा फ्यूल है तो हमारा काम हो जाएगा। और अब की बार जो प्लेटफॉर्म है वो भी डिफरेंट होने वाले हैं अलग, जल्दी से फ्यूल भरवा लेता हूँ अपनी बाइक पर भी जल्दी से। ऑलराइट गाइस फ्यूल भर गया है बाइक फुल, अब चलते हैं जल्दी, थोड़ी ही दूर जाना है। ऑलराइट गाइस, तो व्हेन आप लोग देख सकते हो ये है ट्रेन स्टेशन का प्लेटफॉर्म, तो गाइस इट इज अ सिंगल प्लेटफॉर्म, हमको डबल डबल लेकर जाने पड़ेंगे, एक इधर लगाएंगे एक इधर लगाएंगे, बट ये लेके जाने वाले हैं हम लोग। ऑलराइट गाइस पेमेंट सारी हो चुकी है और पेमेंट अच्छी खासी महंगी हो गई। तो गाइस पुलिस वालों ने मुझे फिर से बुलाया, क्योंकि मैं आज फिर से रेलवे स्टेशन बनाने जा रहा हूं, तो गाइस अब फिर से मुझे कुछ अलग सिस्टम ना बताया, बट इनकी पुलिस स्टेशन कोई दिक्कत होने नहीं वाली, ना हम लोग इसका कुछ उखाड़ेंगे ना कुछ, एक पत्ता नहीं उखड़ने वाला। चलो देखते हैं क्यों बुलाया। हाँ सर क्यों बुलाया बताइए, कुछ सिस्टम बताइए क्या हुआ। सुना है तो पुलिस स्टेशन बना रही है। हाँ बना रहा हूँ, अब की बार तो नहीं हटा रही है कुछ। नहीं नहीं अब की बार क्यों हटाऊंगा, अब की बार कुछ नहीं यार, बिल्कुल आपका टनाटन, ये पुलिस स्टेशन जैसे बना है वैसा ही बना रहेगा, कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। हाँ बिगड़े भी ना, क्योंकि अभी अभी पेंट करवाया हम लोगों ने। हाँ पेंट लग तो रहा, बढ़िया लग रही है। ठीक है याद रखना, अगर भी कुछ करना हो तो हमसे पूछ के करना कि क्या हटाना है क्या नहीं, पुलिस स्टेशन का एक पत्ता
भी मत हिलाना ऐसे। ठीक है भाई। और एक ट्रेन हमको दोगे? किस बात की ट्रेन? अब तो कुछ उखाड़ा भी ना तुम्हारे पुलिस स्टेशन का। अब कौन सी ट्रेन दे दे तुम्हें? उखाड़ा नहीं है तो एक ट्रेन दे नहीं सकते। गैंगस्टर वगैरह आते हैं उनको ऐसे लेके नहीं जा सकते, हम लोग ट्रेन में बिठाएंगे। अरे हटो, अपनी ट्रेन बनाओ। ये सिस्टम थोड़ा, ये ट्रेन स्टेशन इसलिए बना रहा हूँ मैं, इनको उठा के लेके जाएंगे। ना ना भाई, माफ करो मैं। ठीक, धन्यवाद भाई। वो देखेंगे बाद में, देखेंगे पैसा बता देना, बाद में देखेंगे। तो गाइस ये तो अलग ही भाई सिस्टम अपना रहे हैं भाई। हम बना रहे हैं ट्रेन स्टेशन और ये सिस्टम बता रहे हैं कि हमको एक ट्रेन दोगे, हम लोग गैंगस्टर को यहाँ से उठा के वहाँ लेके जाएंगे। मैंने कहा ट्रेन स्टेशन तुम्हारे लिए तो बनवा रहा हूँ। मैंने कहा माफ करो भाई, जब पैसा बताओगे तगड़ा वाला फिर देखेंगे। एक ट्रेन भाई बहुत महंगी आती है, तुमको भी पता है। चलो चलते हैं। तो गाइस मैं अपने घर पे आ चुका हूँ और ये जो स्ट्रक्चर आप लोग सामने देख रहे हो ना, ये बन गया। ये अपने घर के सामने सेम टू सेम बन गया मेरे भाई। इसका बस कलर चेंज कर दिया मैंने। अब कैसा लग रहा है अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सारी चीजें शॉर्ट आउट हो गई हैं, ट्रेनें आ गई, सब कुछ लग गया, पटरियां बिछ गई। 2-3 महीने के बाद माहौल चेक करो मेरे भाई। ऑल राइट गाइस, तो व्हेन आप लोग देख सकते हो फाइनली हम लोगों ने ट्रेन स्टेशन बना डाला। तो गाइस सामने देख सकते हो पीछे वाली बिल्डिंग जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा था सेम टू सेम वैसा ही कितना शाइन कर रहा है। और नीचे 3 ट्रेनें लेकर आए थे, तीनों लगा दिए, प्लेटफॉर्म भी बिछ गए। देखो भाई यही प्लेटफॉर्म था गाइस। रो सारी चीजें शॉर्ट आउट हो गई हैं, सब कुछ लग गया है। पुलिस स्टेशन को मैंने हाथ भी नहीं लगाया। पटरियां देखो भाई, अभी मैं पटरियां भी दिखाता हूँ। सारी चीजें शॉर्ट आउट हो, ये पीछे जो बिल्डिंग है कितनी बढ़िया लग रही है, कमेंट्स करके बताना भाई। मेहनत बहुत ज्यादा लगी है, पैसा बहुत ज्यादा, पानी की तरह पैसा बिछाया भाई। तो गाइस ये जो देख रहे हो पटरियां बिल्कुल लाइन से जा रही है हमारी उस वाले ट्रेन स्टेशन के पास। तो गाइस 3 ट्रेनें हैं और ये प्लेटफॉर्म बड़ा वाला मैंने कहा था ना, वो भी मैंने लगा दिया है। और ये पूरी पटरियां यहां से जाके यहां तक है भाई। एक प्लेटफॉर्म यहां पे भी है, ये पूरी की पूरी पटरियां मैंने बिछाई हुई हैं और इसी पटरियां बिछाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग गई है। तो गाइस अब माहौल बनाते हैं, ट्रेन चलेंगी कैसे दिखाते हैं। तो गाइज ये देखो आप लोग, पटरियां जो मैंने नीचे बिछाई हैं कितनी ज्यादा क्लासी लग रही हैं ब्रो, एक नंबर, जो रियल ट्रेन्स में लगती हैं। देखो भाई यहाँ पर, और बहुत सारे बंदे आ गए भाई। पहली बार मैं ट्रेन चलाने जा रहा हूँ यहाँ पे और कितनी सारे लोग आ चुके हैं इसका मजा उठाने के लिए। पैसा तो यहीं से कमाएंगे। और देखो सारे पुलिस वाले भी हैं और हम भी हैं, हम भी भाई, हम भी पीछे नहीं हटने वाले। वो देखो पीछे मेरा घर है, यहाँ पे मैं हूँ, मैं भी ट्रेन के अंदर बैठूंगा। तो गाइज ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताना, बट हमारा घर बच गया ये कहो। ये गाड़ी है, ये देखो भाई ये पूरा स्ट्रक्चर मुझे एक नंबर लगा। तो आप लोग कमेंट्स में बताना, ये बड़े बड़े रेलवे स्टेशन में ऐसी चीज़ें बनी होती हैं, तो मैंने भी यहाँ पे ऐसा ही बनाया। और सारे बंदे आ गए हैं, पैसेंजर्स आ गए हैं, बिठाते हैं इन्हें, चलाते हैं ट्रेन नई दिल्ली से जम्मू की तरफ, ये ट्रेन रवाना होने वाली है। तो गाइज अब सब लोग बैठ चुके हैं, अब ट्रेन चलने जा रही है। ऑल राइट गाइज, आप लोग देख सकते हो 2 ट्रेन तो अपनी मिनिमम स्पीड में चल रही हैं, बट एक ट्रेन तो मैंने बहुत ज्यादा ही स्पीड वाली बना डाली ब्रो। एक ट्रेन बहुत ज्यादा स्पीड में चलेगी। तो गाइज एक ट्रेन अगले स्टॉप पे रुकेगी, एक ट्रेन इस वाले स्टॉप पे रुकेगी, एक ट्रेन उससे भी आगे वाले स्टॉप पे रुकेगी, ऐसे करके ये सिस्टम चलेगा। देखो भाई एक स्टॉप ये है जहाँ पे एक ट्रेन रुक गई है लास्ट में आके, ठीक है। एक स्टॉप बीच में है वहां पे रुकेगी, एक स्टॉप उधर साइड है वहां पे रुकेगी। तो गाइज हम लोग अगली ट्रेन में बैठेंगे, इन ट्रेन्स को जाने देते हैं, लेट्स बिगिन। तो गाइज ये देखो सारी की सारी ट्रेनें चली गई हैं, वापस आने का इंतजार करते हैं। रो पटरियां देखो भाई, इतनी मेहनत लगी इन पटरियों को बिछाने में। तो गाइज इस एंगल से आप लोग देख सकते हो ये ट्रेन कैसे चल रही है। तो गाइज ये है फ्रंट, तो गाइज फ्रंट से देख सकते हो ये ट्रेन कैसे जा रही है। एक ट्रेन यहाँ पे रुक गई है, एक अगले स्टॉप पे, एक अगले स्टॉप, और ये है अपना साइड एंगल। तो गाइज कितनी स्पीड से एक ट्रेन गई, देखा आपने। एक नंबर। और ये है अपना ड्रोन शॉट। तो गाइस ड्रोन शॉट में देखो भाई एक अलग ही रेलवे स्टेशन चमक रहा। तो गाइस ये था हमारा रेलवे स्टेशन। तो गाइस कमेंट करके बताना ये रेलवे स्टेशन आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी तो जाके चलो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। ये इंडियन वाइज एम 3D का लग्जरी रेलवे स्टेशन है जिसमें सारी चीजें अल्ट्रा लेवल की यूज हुई है, और फ्रैंकलिन के घर के सामने बना है, तो फ्रैंकलिन को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और पीछे एक बिल्डिंग भी बनी है जो कि इस रेलवे स्टेशन को कंप्लीट बनाने में एक नंबर इसका रोल
फॉर्मूला है। और ये ट्रेन अपनी सिटी से दूसरी सिटी और दूसरी सिटी से तीसरी चौथी और फिर वापस आएंगे हमारी सिटी में यहाँ से बंदे लेके, और यहाँ पे एक्सपोर्ट सामान एक्सपोर्ट वगैरह की भी एक ट्रेन हमें चलानी है। आप लोग कमेंट्स करके बताना ये ट्रेन स्टेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और इस ट्रेन स्टेशन के लिए एक लाइक तो बनता है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय।